प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं बीएन राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल बी आंसर मैथ्स पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। साथियों, हम रीजनिंग में घन और पासा के 3-4 वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं। आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं साथियों, और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। देखना कितना प्यारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ रख दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। मैंने ये पूछ लिया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। प्यारे साथियों, मैं आपको पहले बोल चुका हूं, पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूं कि मैं क्वेश्चन किस टाइप के लेके आ रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा यह मुझे बताना है। देखिएगा आप, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। और किसी महान विद्वान ने यह कहा था कि आप 10 क्वेश्चन पढ़ने की बजाय एक ही क्वेश्चन को 10 बार पढ़ लो, अच्छा रहता है। आइए, मैं आपको एक ही क्वेश्चन को चाहे कितनी बार समझाना पड़े, लेकिन एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आपका क्लियर जवाब दे दूंगा। और समझ में आए इतनी कोशिशों के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देख लीजिएगा, मैंने यहां पे अंक लिखा 2, 3, 6, और इसके जस्ट बाद में लिखा 6, 5, 1, और यहां क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है साथियों 2, 3 क्वेश्चन मार्क। ये 2, 3 और यहां पे है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, ए ऑप्शन में है आपके सामने, मैं ऑप्शन भी एक साथ लिख देता हूं। ए ऑप्शन में है 4, बी में है 5, सी में है 6 और डी में है 1। पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्यारे प्यारे साथियों, प्लीज आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से देखना। हो सकता कुछ विद्यार्थी इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, पहला कुछ भी नहीं होता, सब चीज नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग कोशिश करना क्वेश्चन का जवाब देने की, और बस थोड़ा सा कोशिश, एक ही सवाल को आप चाहे 10 बार देखना, लेकिन आगे के सवालों में बढ़ चढ़कर आपको आंसर देना है। मैं आगे का एक भी सवाल आपको नहीं बताऊंगा, सेकंड क्वेश्चन यहां लिखूंगा और आपसे यूं कहूंगा कि कमेंट्स में मुझे जवाब दीजिएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं दिया तो आप इस चैनल से लीव हो सकते हो, आप छुट्टी पे जा सकते हो इस चैनल से, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है केवल पढ़ने वाले विद्यार्थी की। दोस्तों, जब तक आपकी ये समझ में नहीं आए यस मत करना, ये मेरी गारंटी है समझाने की। चाहे 5 बार नहीं आएगा मैं 6 बार समझाऊंगा, 8 बार नहीं आएगा 10 बार समझाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा। आपको जो क्वेश्चन मार्क दे रखा उसकी तरफ ध्यान मत दो, पहले इन दोनों पासों को देखो। आप ये पासे के, एक ही पासे के दो रूप मुझे दिए हुए हैं, इन दोनों में कौन सा अंक कॉमन है मेरे प्यारे साथियों? 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है। और जब आपको मैंने बताया जो अंक कॉमन है उससे घड़ी की सुई की दिशा में अंकों को ऊपर नीचे जमा दिया जाता है। अब ये 6 कॉमन है तो इससे घड़ी की सुई की दिशा में अंकों को ऊपर नीचे जमा दो, और बार बार में ऐसा बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये आप पिछली वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ चुके हो कि जो अंक कॉमन है उससे घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज सबसे पहले 6, 6 के बाद में क्या आएगा साथियों? 2, और 2 के बाद में क्या आएगा? 3। अब कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक लिख दो, घड़ी की सुई की दिशा में 5, और 5 के बाद में क्या आएगा? 1। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मालूम चल गया कि कौन किसके क्या विपरीत है, और कॉमन अंक के विपरीत वह अंक होगा जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बताओ कॉमन अंक के विपरीत क्या होगा? 4, 4 आपको दिखने दिया। इतना कुछ करने के बाद में अब मुझसे क्या पूछा है, इस बारे में मैं चर्चा करूंगा। आप थोड़ा सा गौर से सुनना, ये बात तो आपको दे रखी है। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन जो पूछा उसके अकॉर्डिंग मुझे बताना कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो साथियों, सबसे पहले तो ये बताओ 3 के विपरीत क्या आएगा? 1। 3 के विपरीत 1 आएगा, इसका मतलब ये हो गया 3 यदि आगे तो पीछे क्या चल जाएगा? 1 चल जाएगा। इसके पास में तो 1 आ ही नहीं सकता, जो विपरीत होते हैं वो तो कभी एक साथ दिख ही नहीं सकते। 3 और 1 तो मुझे एक साथ दिख ही नहीं सकता, इससे कंफर्म हो गया कि 1 यहां पर नहीं आ सकता। 1 ऑप्शन में रहा, इसको मैंने हटा दिया। अच्छा, 2 के विपरीत कौन है मेरे प्यारे साथियों? 5 है, तो 2 के विपरीत 5 है, इसका मतलब 5 तो नीचे वाले पृष्ठ पर आएगा, इस वाले पृष्ठ पर आ ही नहीं सकता। तो आप में से कौन बताएगा ये 2 के विपरीत, ये 2 के साथ 5 भी नहीं आ सकता। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बच गए, या तो 4 आएगा या क्या आएगा? 6 आएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताएंगे। मैं हालांकि इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट जरूर करूंगा, इसी क्वेश्चन में जितनी ताकत है उतनी लगाऊंगा, आगे के क्वेश्चनों में आप लोगों से पूछूंगा। प्लीज आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ना, और इतने अच्छे ढंग से पढ़ना कि आगे के 3 सवाल मैं प्रैक्टिस के रूप में दूंगा आपको, प्रत्येक सवाल का जवाब आपको तय करना है। देखिएगा साथियों, अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, या तो इस जगह पर 4 आएगा या इस जगह पर क्या आएगा? 6 आएगा।
आप में से कौन बताएगा ऐसा कोई पासा है कि जिसमें दो और तीन दोनों अंक दे रखे हैं? आप कहोगे ये रहा। तो इससे इसकी कंपेयर कीजिएगा, इसके तुलना कीजिएगा, चाहे आप दो से तीन जाओ या तीन से दो जाओ, किसी एक पे आपको जाना है। देखो कैसे, मैं इसमें दो से तीन जा रहा हूं, दो से तीन जा रहा हूं तो आपको मालूम चलना चाहिए कि मैं कैसे जा रहा हूं, सीडब्ल्यू। सीडब्ल्यू का मतलब क्या है? क्लॉक वाइज जा रहा हूं। सीडब्ल्यू दो से तीन जब मैं जा रहा हूं तो क्लॉक वाइज जा रहा हूं। इसमें दो से तीन जाऊंगा, आप कहोगे यू चल जाओ सर, ऐसे नहीं, बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए, दो से तीन में इसमें यू जाऊंगा। तो बताओ शाबाश ये कौन सा है? ये आप देखो क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज है? आप कहोगे सर ये तो एंटी क्लॉक वाइज है। यदि अब क्वेश्चन का आंसर आ गया, काश इस जगह पे भी क्लॉक वाइज और इस जगह पे भी क्लॉक वाइज सेम कंडीशन होती, यदि यहां पे दो से तीन गया हूं मैं और यहां पे भी दो से तीन तीन इस जगह पे होता, बिल्कुल सेम कंडीशन होती क्लॉक वाइज, तो जो अंक यहां पे वही अंक यहां पे आता। समझिएगा आप मेरी बात को, मैंने क्या बोला, यदि कंडीशन सेम होती है क्लॉक वाइज और यहां पर भी क्लॉक वाइज, तो जो अंक यहां पर वही अंक यहां पर आएगा। इसका मतलब कंडीशन सेम नहीं है, यहां तो क्लॉक वाइज है और यहां क्या है? एंटी क्लॉक वाइज। तो साथियों यहां छह है तो यहां छह तो आ ही नहीं सकता, तो अब आपके पास क्या बचा? चार। बताइए आप, समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं आया वो तो मैं इसी क्वेश्चन को बार बार में रिपीट करूंगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझाऊंगा। लेकिन प्यारे साथियों प्लीज आगे के तीन क्वेश्चन मैं आपसे प्रैक्टिस के रूप में पूछूंगा, मजाल नहीं जो आप मना कर दो फिर मुझसे, आप इसको कितनी बार मुझसे पूछ लो, मैं एक बार रिपीट और करना चाहता हूं। चलो ठीक है, मैं पूरे को डिलीट कर ही रिपीट करना चाहता हूं, आप में से कौन बताएगा? देखो पूरे सवाल को रिपीट करना चाहता हूं एक बार दोबारा से, इसी सवाल पर आपको ध्यान लगाना है। देखना साथियों, अब मुझसे ये पूछा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, अब लास्ट बार बोल रहा हूं और फिर भी समझ में नहीं आया, तो प्लीज कोशिश करो यार दूसरी बार में, तो और कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, सवाल बिल्कुल इजी है। आप में से कौन बताएगा? इन दोनों पासों को देखा आपने, कौन सा अंक कॉमन है? छह। तो छह से घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, छह दो तीन, इसमें भी छह, छह के बाद में पांच, पांच के बाद में एक, जो अंक एक दूसरे के ऊपर नीचे आते हैं वो सदैव विपरीत होंगे, और कॉमन अंक के विपरीत वह अंक होगा जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बताओ छह के विपरीत कौन होगा? चार। आपको सारे विपरीत अंक पता लग गए, और मैंने आपको एक कॉमन सेंस की एक बात बताई थी कि जो अंक एक साथ, जो अंक विपरीत हो रहे हैं वो कभी एक साथ आ नहीं सकते, तीन के साथ एक कभी नहीं आ सकता, एक के साथ तीन कभी नहीं आ सकता, दो के साथ पांच कभी नहीं आ सकता, पांच के साथ दो कभी नहीं आ सकता, छह के साथ चार कभी नहीं आ सकता। तो प्यारे साथियों क्या दो के विपरीत को इतना है पांच, इस जगह पे पांच आ सकता है क्या? नहीं, ये तो निकटवर्ती सत्य है, दो के साथ पांच कभी दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि पांच तो कहां आएगा? नीचे आएगा। मैं कह रहा हूं मुझे सामने की दीवार दिख रही है तो क्या मुझे पीछे की दिखेगी क्या? नहीं। वो सामने की है क्या? मेरे पड़ोसी हो सकती है क्या? नहीं। आप में से कौन बताएगा ये विपरीत है दो और पांच, तो दो के साथ पांच नहीं आ सकता, तो मैंने इस ऑप्शन को हटा दिया। बताओ तीन के साथ कौन नहीं आ सकता? एक नहीं आ सकता, मैंने इसको भी हटा दिया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, चार और छह, ये दो ऑप्शन बचे, या तो चार आएगा या क्या आएगा? छह। अब मैंने कंपेयर किया, इसमें दो फलक आपको दे रखे, दो और तीन, तो ऐसा कोई पासा दे रखा है जिसमें दो और तीन दे रखे हैं? जी। आप कहोगे सर ये रहा दो और तीन, या तो आप तीन से दो जाओ या दो से तीन जाओ, आप में से कौन बताएगा? मैं इसमें गया दो से तीन, दो से तीन गया तो इसका आप घूर्णन बताएंगे, इसके घूमने की कला बताएंगे, क्या ये क्लॉक वाइज है या एंटी क्लॉक वाइज? तो आप कहोगे दो से तीन गए हो तो यह है क्लॉक वाइज। सीडब्ल्यू घड़ी की सुई की दिशा के अकॉर्डिंग में घुमाऊं, जब आप इसमें दो से तीन आओगे ये बीच में खाली नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना दो से तीन आपको इधर से यूं आना पड़ेगा, जब इसमें यूं आ रहे और इसमें यूं जा रहे तो ये तो क्लॉकवाइज है, ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। काश, एक मिनट के लिए सुनना मेरी बात को, काश यदि सेम कंडीशन होती, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज होता तो यहां पर छाया तो यहां पर भी छाया था, अब ये तो अपोजिट हो गया क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो कंफर्म हो गया यहां छह नहीं आएगा, और छह नहीं आएगा तो क्या बचा मेरे प्यारे साथियों? चार। चार इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया हो तो यस लिखें, प्लीज मुझे आदेशित करें ताकि मैं आगे बढ़ू, और नहीं आया हो समझ में तो नो लिखें। मैं अगला सवाल आप लोगों से पूछूंगा, आपके कमेंट्स का जवाब देख रहा हूं मैं, प्लीज एक बार सभी लिखेंगे और फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं। थैंक यू सो मच, एक बार स्क्रीन शॉट लीजिएगा। तो साथियों आप लोगों ने बिल्कुल उतार लिया होगा, और सेकंड क्वेश्चन लिखेगा आप लोग, आप सबको जवाब देना है, मैं नहीं बताऊंगा, प्लीज मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन आप लोगों के सामने यही है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप सबको जवाब देना है। प्यारे साथियों ये लीजिएगा, मैंने यहां पर पासे बना दिए हैं, आप भी अब सबके जवाब आने चाहिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है,
बिल्कुल सेम बोला यार, इसके बाद में भी बताओ क्यों यार आप लोग मुझे परेशान करते हो, ये समझ में नहीं आ रहा। यदि किसी का जवाब आ गया ना गलत, फिर आपकी खैर नहीं है। ये लीजिएगा, मैंने यहां लिखा 1 6 3, ये लिखा 2 6 5, और ये मैंने लिखा 1 6 ? ये ऑप्शन है आपके सामने। मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ मुझे। जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी यार, इतना टाइम थोड़ा ना लगता है अपने पढ़ने वाले विद्यार्थी है सारे, और इतना सॉफ्ट आंसर क्लिक कीजिएगा, अब तक तो आंसर आ ही जाना चाहिए। आप ऑप्शन लिखेंगे यहां पे, ऐसे नहीं लिखेंगे 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं लिखोगे। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ABCD में उत्तर देना है आपको। ए ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, सी आएगा, डी आएगा। संजय सर जोर लगाओ सर, अजय सर लगा दो जोर, जल्दी बता दो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यार, गजब का बिल्कुल सेम। मोहित ये बात बेटा लगा जोर। लोकेश शानदार शानदार, थैंक यू। बिट्टू लगा बेटा जोर, ये हुई ना बात, आनंद आना चाहिए आप सबको पढ़ने में। और ऐसे थोड़ा ना आएगा, आप जवाब दोगे तभी तो मुझे भी तो आनंद आना चाहिए। आइए मैं इस क्वेश्चन का जवाब देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंटों का राइट आंसर, और आइए कुछ कोशिश कीजिएगा, कुछ कमी पहले में रही है तो उसको दूर कर लीजिएगा। इन दोनों में कोई अनकॉमन है? जी, आप कहोगे सर 6 कॉमन है, 6 से घड़ी की सुई की दिशा में स्पीड बढ़ाएंगे, 6 के बाद में 1, 1 के बाद में 3, 6, 6 के बाद में क्या आएगा साथियों 5, 5 के बाद में 2। लगा दीजिएगा एक बार ऊपर नीचे का नियम, बताओ कौन बताएगा। जो अंक एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं वो विपरीत होंगे, और कॉमन अंक के विपरीत वह अंक होगा मेरे प्यारे साथियों जो दिखाई नहीं दे रहा है। कौन दिखाई नहीं दे रहा है? 4। मैंने आपको बोला कि विपरीत कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, 6 के विपरीत कौन है? 4 है। तो साथियों इस जगह पर 4 तो आ ही नहीं सकता, हटा इसको, हटा। 50-50 पे तो खेल लेंगे हम, दो ऑप्शन तो हटाओ कम से कम। 1-1 के विपरीत कौन है? 5। 5 कभी हो नहीं सकता, हटा। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे, या तो 2 आएगा या 3 आएगा, दोनों में से एक आएगा, या तो 2 आएगा या 3 आएगा। आइए कोई बात नहीं, यहां पे 1 और 6 इसमें है क्या? हाँ ये रहा ना 1 और 6, दो अंक कॉमन है। आइए गुणन की स्थिति को देखते हैं, 1 से 6 चले जाता हूं, 1 से 6 गया तो इसमें क्या है? क्लॉकवाइज। अब इसमें भी 1 से 6 ही जाना आपको, 1 से 6 बताओ शाबाश कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। यदि दोनों में गुणन सेम होता तो इस जगह पर कौन सा अंक है? 3, तो इस जगह 3 आता, लेकिन गुणन सेम नहीं है, इस जगह क्लॉकवाइज है, और इस जगह कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। कंफर्म हो चुका है साथियों, इस जगह 3 नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? 2 आएगा। बताओ क्या दिक्कत है? ए ऑप्शन जिस चीज ने भी दिया है, थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग सीख रहे हो। और फिर प्रैक्टिस के रूप में एक और सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, तैयार रहना साथियों प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहे आप लोग, मैं लिखने के तैयार हूं। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम इसी प्रकार का, और मैं बार बार में इसी प्रकार का क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूं ताकि आप लोग सीख जाएंगे। देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 3, ये तीसरा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? ये लीजिए, ये मैंने लिख दिया साथियों। अब आपको जवाब देना है, बिल्कुल तय कीजिएगा, आप लोग स्पीड बढ़ाएंगे आपकी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है साथियों, अब तक तो उत्तर आ ही जाना चाहिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने रखा है यहां पे, कोशिश कीजिएगा आंसर देने की। इतना टाइम मत लगाओ मेरे प्यारे साथियों, 6 कॉमन है, लगाइएगा घड़ी की सुई की दिशा में, 6 1 3, फिर क्या बोलोगे? 6 5 2, जो अंक एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं वो सदैव अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। 3 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 6 के विपरीत कौन होगा? 4। क्या 6 के साथ 4 आ सकता है क्या? नहीं, गलत। क्या 3 के साथ 2 आ सकता है क्या? नहीं, गलत।
अब आपको इन दोनों में से उत्तर देना, या तो पांच आएगा या एक आएगा। आइए कंपेयर करते हैं तीन से छह गया में, बताओ तीन से छह कौन सा है क्लॉकवाइज है, तीन से छह इसमें बताओ तीन से छह कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज है। इससे कंफर्म हो गया मेरे प्यारे साथियों, यहां पे एक है तो यहां एक तो आ ही नहीं सकता, तो एक नहीं आ सकता तो कौन आएगा पांच, बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। और अब तो समझो यार प्लीज साथियों, एक ही प्रकार का मैं सवाल आपको बता रहा हूं, लीजिएगा स्क्रीनशॉट। एक और सवाल इसी प्रकार का लिखवाता हूं, देखो एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का, क्वेश्चन नंबर चार। और अब भी समझ में नहीं आता है तो फिर यार मैं बताऊं क्या बताऊं यार आप लोगों को। एक और सवाल क्वेश्चन नंबर चार, थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज कर देता हूं। देखो साथियों, अब मैंने यहां पे लिखा ऑप्शन आपके सामने है, आइए साथियों अब मुझे यह तय करना कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा चिन्ह आएगा। अंक की जगह मैं यहां चिन्ह लिख देता हूं, ये लो इतना आसान तरह कर देता हूं। अब प्यारे साथियों बिल्कुल इजी सवाल है, कोई इश्यू नहीं है, आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे। बताओ इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, ये कॉमन है, कौन सा भाग डिवाइड कॉमन है, तो बताओ भाग, भाग के बाद में क्या आ जाएगा बराबर, और बराबर के बाद में क्या आ जाएगा त्रिभुज। अब आप में से कौन बताएगा भाग के नीचे भाग, फिर क्या आएगा गुणा, फिर क्या आएगा वृत्त। अब मैंने आपसे ये बोला कि जो अंक एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं वो सदैव विपरीत होंगे, और कॉमन अंक के विपरीत वह अंक होगा जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब बताओ भाग के विपरीत कौन सा होगा, इनके अलावा और कौन सा दिख रहा है मुझे, वर्ग दिख रहा है, तो बताओ भाग के ये विपरीत क्या होगा, वर्ग होगा। इसके अलावा यही तो अंक बच रहा है और कोई सा बच ही नहीं दिया, तो ये निश्चित है कि कॉमन अंक के विपरीत वह अंक होगा जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आइए साथियों अब मैं आगे के लिए क्वेश्चन हल करना चाहता हूं, मुझे ये बताना इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखो सबसे पहले आप में से कौन बताएगा, सभी विद्यार्थी गौर करना कि मुझे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अंक बताना है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा। तो मैंने आपको क्या टेक्नोलॉजी बताई कि सबसे पहले तो ये देखो इस जगह पर वृत्त है, तो वृत्त के अपोजिट क्या है त्रिभुज, इस जगह त्रिभुज नहीं हो सकता, हटाओ। ये क्या है वर्ग, वर्ग के अपोजिट क्या है साथियों भाग, भाग कभी इस जगह पर हो नहीं सकता क्योंकि ये तो अपोजिट है, ये तो विपरीत है, विपरीत तो कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, तो ये वर्ग है, वर्ग के विपरीत में भाग नहीं हो सकता, तो ये मैंने हटा दिया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, दो ऑप्शन तो आपने हटाए दिए, कैंसिल कर ही दिए ऑप्शन, देखते हैं पहले ये विरोध के विपरीत के अकॉर्डिंग ही आपने चेंज कर दिए, दो ऑप्शन तो हटाए दिए। अब बात आ रही है क्या किसी पासे में, इन दोनों एक पासे के जो दो प्रारूप दे रखे हैं इनमें किसी में वर्ग वर्ग और व्रत है क्या, आप कहोगे नहीं है सर, वर्ग भी नहीं है व्रत भी नहीं है, एक एक तो है दो कॉमन नहीं है। अब तक मैंने जो तीन उदाहरण बताए पिछले उनमें दो अंक कॉमन थे, तो मैं दोनों का क्या करता था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गुणन देखता था दोनों का, अब ऐसा नहीं है किसी में भी। अब आपको क्या करना है साथियों, देखना अब आप इस जगह पर तय करना है आपको कि क्या आएगा, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, काश इस जगह पे यदि कहीं कॉमन मिल जाता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब या तो इस जगह पे आएगा गुणा या आएगा बराबर, या तो गुणा आएगा या इस जगह पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा बराबर। आइए साथियों मैं आपको बता देता हूं कि गुणा आएगा या बराबर का चिन्ह आएगा, देखना आप लोग, मैं आपको बता रहा हूं, कोशिश करना मेरी बात को समझने की, मैं दो तरीके से बता रहा हूं, या तो इस जगह पे आप, अब आपके पास दो ऑप्शन बच गए, या तो इस जगह पे गुणा आएगा या फिर इस जगह पे क्या आएगा बराबर आएगा, ये दोनों दो ऑप्शन बच गए। अब मैं इस जगह पे 1% ये मान के देख लेता हूं कि गुणा आएगा, ये मान के देख लेता हूं, अब आएगा तो दोनों में से एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं इस जगह पे ये मान के क्वेश्चन हल कर रहा हूं, माना कि इस जगह पे गुणा है। अब सपोज दैट अपन छठी क्लास में जब पढ़ते थे तो एक एप्लीकेशन आती थी, सपोज दैट यू आर सपना, कल्पना करो कि तुम सपना हो, अब सपना तो है नहीं है, तू तो राम जी लाल है, बाबूलाल है, तू तो बता कहां है सपना, तो कल्पना कीजिएगा माना कि इस जगह पे गुणा का चिन्ह है,
मैंने बराबर का चिन्ह नहीं माना, दोनों में से एक चिन्ह तो मुझे मानना ही पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। माना कि इस जगह पे गुणा का चिन्ह है। अब साथियों किसी एक से कंपेयर कर लो आप, क्या इसमें इसमें और इसमें कंपेयर कर लेता हूं मैं, इसमें और इसमें मत करो, इसमें चलो इसमें कर लेते हैं। इसमें क्या है, ये रहा आपका क्या व्रत, और ये भी व्रत है, इसमें गुणा और इसमें गुणा, दो अंक कॉमन आ गए, भाग के अपोजिट क्या बचा, वर्ग बचा है, तो भाग के अपोजिट वर्ग है क्या, बिल्कुल राइट है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह सही है। और इससे भी ज्यादा अच्छा मेरे प्यारे साथियों यह कि आप ऐसा ऐसा देखो जिसमें एक अंक कॉमन हो, एक अंक कॉमन हो, ऐसा इसमें से एक भी नहीं है। आपको ये मान लिया मैंने कि गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह इसमें फिट बैठ रहा है, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, गुणा। चलो मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं, आपके मन में ये आएगा, एक मिनट के लिए ये सोचा आपने कि बराबर का चिन्ह आएगा, मैंने यहां पे बराबर का चिन्ह रख दिया। अब आप किसी एक के साथ कंपेयर करो, आप में से कौन बताएगा इनमें से किसी एक में, या में बराबर है और इसमें भी बराबर है, मैंने बराबर लिखा, बराबर के बाद में क्या लिखा त्रिभुज, त्रिभुज के बाद में क्या लिखा भाग, अब आप में से कौन बताएगा बराबर, इसके बाद में वर्ग, वर्ग के बाद में व्रत। मेरे प्यारे साथियों आप में से कौन बताएगा ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, और कॉमन अंक के विपरीत वह होगा जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप में से कौन सा बताएगा, कौन सा अंक मुझे नहीं दिखाई दे रहा बताओ, कौन सा नहीं दिख रहा है, गुणा का नहीं दिख रहा है। क्या ऐसा करने पर इसमें और इसमें विपरीत अंक सेम आ रहे हैं क्या, क्या बराबर का लिखने पर विपरीत क्रमांक जो इसमें आया वही इसमें आ रहे हैं क्या, यदि सेम आ गए तो मेरा उत्तर 100% राइट है। देखो आप इसमें भाग, भाग के अपोजिट क्या है व्रत है, और इसमें क्या दे रखा भाग के अपोजिट वर्ग दे रखा है, गलत है मेरे प्यारे, ये गलत तरीका है। इसका मतलब ये हो गया यहां पे बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, क्या आएगा गुणा का चिन्ह आएगा। और एक और सवाल बिल्कुल सेम इसी प्रकार का, कोई बात नहीं, इसमें 50 थोड़ा अटके हैं साथियों, 50% भी समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं इस जगह पे, इस जगह पे जाकर आपको मैं एक बार और समझा देता हूं, क्वेश्चन थोड़ा अटके है, अलग है, प्लीज कोशिश करना बात को समझने की, देखना साथियों ये सवाल आपका, यहां तक तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब की बार क्या है कि दो अंक कॉमन नहीं है, यदि दो अंक कॉमन होते तो मैं गुणन के अकॉर्डिंग पिछले तीन सवालों में जैसे जवाब दिया ऐसे जवाब दे देता। अब बात यह आ रही है कि दो ऑप्शन तो मैंने हटा दिए, कैसे हटा दिए कि वर्ग के अपोजिट साइड में क्या होना चाहिए, भाग, भाग है वर्ग के अपोजिट, तो भाग तो इस जगह पर आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता, जो विपरीत है वो तो एक साथ दिख ही नहीं सकते, ये व्रत और त्रिभुज अपोजिट है, इस जगह पर त्रिभुज भी नहीं आ सकता, ये भी मैंने कांटा लगा दिया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, या तो इस जगह पर क्या आएगा गुणा का चिन्ह आएगा, या तो इस जगह पर बराबर का चिन्ह आएगा, या इस जगह पर गुणा का चिन्ह आएगा। अब मैंने 1% ये मान के कर लिया इस जगह पर कि बराबर का चिन्ह आएगा, 1% सोच के कर रहा हूं मैं क्वेश्चन हल कि बराबर का चिन्ह आएगा। यदि इस जगह पर बराबर का चिन्ह आएगा तो किसी दो पासों में कंपेयर करो, आप तुलना करो, यदि विपरीत क्रमांक सेम आ गए आपके, जो इसमें वही इसमें आ गए तो आपका उत्तर सही है, और यदि विपरीत क्रमांक अलग आ रहे हैं तो आपका उत्तर गलत है, फिर गुणा का चिन्ह आएगा। चलो माना कि मैंने इस जगह पर बराबर का चिन्ह मान लिया, तो बराबर का इसमें भी है, बराबर का इसमें भी है, चलो बराबर, बराबर के बाद में वर्ग, वर्ग के बाद में व्रत, घड़ी की सुई की दिशा में चलने दो, बराबर, फिर क्या आएगा त्रिभुज, फिर क्या आएगा भाग। मैंने क्या क्या कहा, जो अंक एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं वो सदैव विपरीत होंगे। अब इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये, और इसके विपरीत क्या होगा जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप में से मुझे कौन बताएगा इनके विपरीत क्या होगा, गुणा। क्या इसके विपरीत क्रमांक, इसके विपरीत क्रमांक सेम है क्या, बताओ, आप कंपेयर करो। व्रत के अपोजिट इसमें तो त्रिभुज दे रखा है, इसमें भाग दे रखा है, इसका मतलब इस जगह पर चाहकर भी बराबर का चिन्ह नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगाने के बावजूद इसके अपोजिट और इसके अपोजिट अलग अलग आ रहे हैं, जबकि मैंने क्या बोला, पासे का कोई सा भी दो उठा लो आप, अपोजिट सेम आने चाहिए, आपके पास उत्तर क्या बच जाएगा, गुणा। और एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रकार का लेके आ रहा हूं, थैंक यू सो मच। तो साथियों आइए पांचवा सवाल को हम करते हैं, पांचवा सवाल वही इसी प्रकार का जो मैंने अभी चौथा सवाल बताया था, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का सवाल। ये मैंने यहां पे लिख दिया 1, 2, 3, 4, 6, 1, 5, 3 क्वेश्चन मार्क, और मैंने ऑप्शन भी लिख दिए यहां पे 6, बी ऑप्शन में 4, सी ऑप्शन में 1 और डी ऑप्शन में 2। मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल अभी जो बताया ना मैंने चौथा सवाल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, समझो आप। आइए इस सवाल का जवाब लिखते हैं, कैसे मुझे उत्तर देना देखना साथियों, इन दोनों में से कौन सा कॉमन है, एक एक लिख दो आप, एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन,
एक के नीचे एक, एक के बाद में छह, छह के बाद में चार, जो अंक एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं वो विपरीत होंगे, और कॉमन अंक के विपरीत बैंक होगा जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बताओ कौन सा है? पांच। 100% राइट आंसर। अब इतना तो मुझे पता लग गया कि प्रत्येक अंक का, अब मैं चाहे कोई से भी पास उठा लू विपरीत अंक यही होने चाहिए, तीन का अपोजिट चार आना ही चाहिए, चार का अपोजिट तीन आना ही चाहिए, दो के अपोजिट छह आना ही चाहिए, एक के अपोजिट पांच आना ही चाहिए। क्या अब आप एक बात बताओ, विपरीत एक साथ दिखाई दे सकता है? आप कहोगे नहीं। पांच के विपरीत बताओ शाबाश कौन है? एक। इस जगह पे एक आ सकता है क्या? नहीं। हटाओ, बताओ इस जगह पे क्या है? तीन। क्या इस जगह पे तीन का विरोधी आ सकता है क्या? चार। कभी नहीं आ सकता, क्योंकि विपरीत तो कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, तीन और चार तो विपरीत है, तीन के बगल में चार तो आ ही नहीं सकता, वो तो विपरीत है, वो तो सामने तीन इधर है, तो चार इधर की साइड है, पीछे की साइड। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गए, छह और दो। या तो इस जगह पर छह आएगा या इस जगह पर दो आएगा, या तो छह आएगा या दो आएगा। आइए साथियों, कौन बताएगा मुझे? या तो छह आएगा या दो आएगा। अब मैंने एक मिनट के लिए मान के देख लिया कि इस जगह पर छह आएगा, ये करके देख रहा हूं मैं, मुझे पता नहीं कौन सा आएगा, पर मैं मान लेता हूं कि इस जगह छह आएगा। तो आप में से कौन बताएगा मेरे प्यारे साथियों? पहले में और तीसरे में कंपेयर कर लो, ये क्या है? तीन, और इसमें भी क्या है? तीन। विपरीत क्रमांक सेम आने चाहिए, तीन तीन के बाद में एक, एक के बाद में दो, तीन तीन के बाद में क्या आएगा? छह, और छह के बाद में क्या आएगा? पांच। ये छह कहां से आया मैंने माना है। अब एक बात बताओ, क्या विपरीत क्रमांक सेम आ रहे हैं क्या? बताओ, दो के विपरीत पांच है क्या? नहीं है, इसमें तो एक है, ये गलत, मतलब छह नहीं आएगा इस जगह पर, तो फिर क्या बचा? दो आएगा। और आप एक बात और सोच सकते हो, ये धीरे धीरे आप अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उससे निखार आता जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इस जगह पे यदि काश मैं दो रख देता हूं, एक मिनट के लिए सोच के देखना, मैं ये बता दिया, मैंने उत्तर बता दिया, उसके बाद में हल करके बता रहा हूं आपको। यदि माना कि मैंने इस जगह दो रख दिया, तो देखो पांच के बाद में तीन पाया, पांच के बाद में ये इसमें देखो, आप में से कौन बताएगा? दो और तीन, दो और तीन इस जगह पर, दो और तीन क्लॉकवाइज है, इस जगह एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, और इस जगह पे क्या है बताओ? क्लॉकवाइज। इस जगह पे एक नहीं आ सकता, नहीं है, देख लो आप, 100% राइट है मेरा तरीका। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप लोग कोई सा भी तरीका, लेकिन मैंने जो तरीका बताना है सबसे बेस्ट तरीका। चलो एक सवाल की और प्रैक्टिस करते हैं, और थोड़ा सा सुधार करता है, देखना छठा सवाल, मुझे लगता है कि आप चौथे सवाल में कुछ थोड़ा श्रेष्ठ सीखे होंगे, न्यू कॉन्सेप्ट है साथियों, आप लोग देखना आप और अच्छे ढंग से। अगला सवाल मैं आपके सामने और लेके आ रहा हूं, छठा सवाल देखना, ये लीजिएगा छठा सवाल आपके सामने, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का, देखना आप सवाल क्या है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है, ये मैंने यहां पर लिख दिया, और मेरे प्यारे साथियों ये लिखा मैंने चार पांच और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, एक, बी ऑप्शन में दो, सी ऑप्शन में तीन, और डी ऑप्शन में छह। उम्मीद करता हूं ये तीसरा सवाल में तो 100% आना ही चाहिए। आप में से कौन बताएगा इन दोनों में से क्या कॉमन है? तीन। तीन के बाद में घड़ी की सुई की दिशा में लिख दो आप, तीन के बाद में चार, चार के बाद में दो, तीन तीन के बाद में एक, एक के बाद में पांच। बताओ ना यार, आप लोगों को प्रॉब्लम कहां आ सकती है? कोई मतलब भी नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है साथियों। बताओ तीन के अपोजिट साइड में क्या होगा? छह। जो अब ये विपरीत सदैव हमेशा यही रहेंगे, चाहे कोई सा भी पासा उठा के देख लेना, विपरीत कभी चेंज नहीं हो सकते। अब आप में से कौन बताएगा? दो के विपरीत पांच, पांच के विपरीत दो, चार के एक, तीन के छह। मेरे प्यारे साथियों, इस जगह पे चार है, क्या इस जगह पे चार का विपरीत आ सकता है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि ये तो विपरीत एक साथ दिख ही नहीं सकते। चार के विपरीत एक है, एक इस जगह पा ही नहीं सकता। पांच का अपोजिट क्या है? दो। इस जगह पर दो भी नहीं आ सकता, मैंने इसको भी कैंसिल आउट कर दिया। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, तीन या छह। या तो तीन आएगा या क्या आएगा? छह आएगा, दोनों में से एक आएगा। अब चार और पांच किसी भी ऑप्शन में, किसी भी पासे में नहीं है। दो दो अंक यदि सेम मिल जाते जब तो मैं घूर्णन देख लेता कि क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अब आप तय करो भाई साहब, अब इस जगह पर माना कि मैंने ये मान लिया तीन आएगा, 1% ये सोच के देख लिया। अब आप में से कौन बताएगा मेरे प्यारे साथियों? देखना, कोशिश करना बात को समझने की। यदि माना कि मैंने इस जगह तीन मान लिया, इस जगह तीन मान लिया, तो लिखो आप तीन चार पांच, इसमें भी तीन है, तीन एक पांच। अब दो दो अंक कॉमन हो रहे हैं, चलो खैर कोई नहीं, मैंने इस जगह पर तीन की जगह पर छह मान लिया, ज्यादा सिंपल हो जाएगा आपका सवाल, आपको देखने में सुविधा रहेगी।
तीन की जगह छह मान लिया। अब मेरे प्यारे साथियों आप में से कौन बताएगा इन दोनों में तुलना कर दो, इन दोनों में मैं छह मान के कर रहा हूं, सेम यदि आ गई यही कंडीशन तो छह आंसर राइट है, और यदि सेम कंडीशन ये नहीं आई तो तीन आंसर है। बताओ दोनों में क्या कॉमन है, पांच कॉमन है, तो बताओ पांच से घड़ी की सुई की दिशा में लिखो, पांच तीन एक पांच, मैंने छह माना छह लिख दिया यहां पर चार। मेरे प्यारे साथियों बताओ ये लो ऊपर नीचे जमा के देखो आप, ये दो आ जाएगा यहां पे, क्या दो के अपोजिट पांच है, आप कहोगे सर बिल्कुल राइट है, तीन के अपोजिट छह बिल्कुल राइट है, एक के अपोजिट चार है बिल्कुल राइट है, इसका मतलब यहां पे कौन सा राइट है छह। अब तो समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, एक बार स्क्रीन शॉट लीजिएगा, बड़ा आनंद आने वाला है। एक सवाल और आपको करवा रहा हूं, कितना टाइम हो गया, तो साथियों एक दो सवालों की और प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस रिक्त स्थान की पूर्ति करना सीख जाओगे आप 100%। ये छठे के बाद में सातवां सवाल देखना आप, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अब गलती नहीं होनी चाहिए, कितना भी कठिन सवाल आ जाए कुछ भी आ जाए आपका गलत आंसर नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों तीन चार दो तीन एक पांच, और ये मैंने लिखा तीन चार क्वेश्चन मार्क। अब मैं यहां ऑप्शन रख रहा हूं, बताओ सबस दो बी में लिखा मैंने पांच, सी में लिखा एक और डी में लिखा छह। नो डाउट बिल्कुल जो मैंने बताया बस ये दो टाइप के सवाल बनते हैं, जब दो अंक कॉमन हो या फिर एक अंक कॉमन हो, बस ये दो टाइप के सवाल बनते हैं अभी तक जो एग्जाम में पूछे हैं। आप में से कौन बताएगा कौन सा अंक कॉमन है, तीन लगा लगा घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज चलने दे, रुके मती, तीन एक पांच ये लो, बताओ जो अंक एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं वो विपरीत होंगे और कॉमन अंक के विपरीत बैंक होगा जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ये लो। अब आप में से कौन बताएगा तीन चार किसी में है क्या, ये रहा सर दो अंक कॉमन आ गए बड़ा अच्छा आ गया कोई बात नहीं, अब गुणन देख लो आप, दो अंक कॉमन आ गए तो तीन से चार आया एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर तीन से चार गया क्लॉकवाइज, इसका मतलब यहां दो तो आ ही नहीं सकता, दो नहीं आ सकता, दो कब आता जब दोनों का गुणन सेम होता तब। अब ऑप्शन हटाओ आप, इस जगह पर तीन है तीन का विपरीत नहीं आ सकता, चार है चार का विपरीत नहीं आ सकता, तो तीन का विपरीत कौन है छह नहीं आ सकता, चार का विपरीत कौन है एक नहीं आ सकता, और मैंने क्या कहा यदि दोनों का गुणन सेम होता, गौर करना मेरी बात पे, यदि दोनों का गुणन सेम होता तो इस जगह पर दो है तो इस जगह पर दो आता, गुणन सेम नहीं है इसका मतलब यहां दो भी नहीं आएगा तो कौन आएगा, कितना इजी पैटर्न है देखो आप, यदि दो अंक कॉमन है तो गुणन से ही कर देंगे, और यदि एक अंक कॉमन है एक मिलता एक तो मैं फिर ऑप्शन रख रख के कर लेता। एक और सवाल की प्रैक्टिस करते हैं, देखिएगा साथी एक और सवाल की प्रैक्टिस कर लेता है, ये आठवां सवाल क्वेश्चन नंबर आठ, जी साथियों बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप देखिएगा, आप में से कौन बताएगा, जितनी अब मैं केवल अभ्यास करवा रहा हूं, पैटर्न मैंने आपको दो बता दिए, आप में से कौन बताएगा साथियों इन दोनों में से कोई अंक कॉमन है, कि आप कहोगे सर गुणा कॉमन है, आ जाओ गुणा के अकॉर्डिंग आप लोग जमा दीजिएगा क्लॉकवाइज, गुणा गुणा के बाद में प्लस, प्लस के बाद में माइनस, कॉमन के नीचे कॉमन, फिर ये क्या आएगा स्टार, ये क्या आएगा हैच। मेरे प्यारे साथियों आप में से कौन बताएगा ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, कॉमन अंक के विपरीत बैंक होगा जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप कैसे तय करोगे कि कौन सा अंक हो सकता है कॉमन के विपरीत, ऑप्शन में देखो आपको ये तो दिख रहा है गुणा तो दिख रहा है स्टार भी दिख रहा है, एट द रेट नहीं है तो ये एट द रेट इसके विपरीत है गुणा के विपरीत है। अब मुझे इस जगह तय करना, चलो दो ऑप्शन हटाता हूं, प्लस प्लस के अपोजिट क्या है स्टार, स्टार इस जगह नहीं हो सकता हटा दो इसको, इस जगह क्या माइनस, माइनस का अपोजिट जो भी है वो इस जगह नहीं आ सकता, विपरीत आ ही नहीं सकते, माइनस का अपोजिट क्या है हेज, ये नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन बच गए आपके पास, या तो गुणा आएगा या एट द रेट आएगा, दोनों में से एक आएगा, चलो देखते हैं क्या प्लस और माइनस किसी में है क्या, ये रहा आप कहोगे सर है,
इसमें प्लस के अकॉर्डिंग माइनस के लिए जाते हैं तो क्या बोलोगे? क्लॉकवाइज है। यहां पे भी प्लस के माइनस पे जाते हैं तो क्लॉकवाइज। दोनों में गुणन सेम है, सेम है, तो इस जगह पर कौन सा अंक बच्चा? गुणा। तो यहां पे भी क्या बचेगा? गुणा इज द करेक्ट आंसर। ये लो, बताओ कुछ है क्या? आप जितना निखार करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही निखार आता जाएगा। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच। एक बार सभी स्क्रीनशॉट लेकर सभी को शुभकामनाएं। ये आपका इस टाइप का सवाल कंप्लीट हुआ। मैं नेक्स्ट टाइप आपको जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा पासे का प्रसारित रूप। पासे का प्रसारित रूप। कोई सवाल आपके समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट्स में जरूर उसकी फोटो लेके मुझे सेंड करना। पासे का प्रसारित रूप नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। पासे का प्रसारित रूप, उसके बाद में केवल एक टाइप और रहेगा, एक बड़े घन को समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटना। दो वीडियो और बाकी है, छोटी छोटी सी वीडियो बिल्कुल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोगों का मन बना रहे, लगा रहे, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक। शुभकामनाओं के साथ बी एन राजपूत। राम राम दोस्तों।